द्वार मायापुरी है, सात पुरियों में एक पुरी है जो मायापुरी है, और हरिद्वार में घूमने के लिए ही बगल में ही माया देवी है जो इस नगर के धारशीरी देवी हैं। दीपक भैया जो है झारखंड से हैं, बाकी एक भाई साहब और मिले हैं जो कि कहाँ से आप? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार से। आज मैं हूँ हरिद्वार में। कल हमारी बस थी नीमच से, मैंने बस पकड़ी हरिद्वार के लिए। कल दिन में 2 बजे बस रवाना हुई थी, बाकी आज सुबह 10 बजे मुझे छोड़ दिया हरिद्वार। अभी मैं हूँ हर की पौड़ी में। हरिद्वार में पीछे आप देख सकते हैं गंगा जी बह रही है। अभी गंगा जी में स्नान भी करना है, सुबह का खाना वाना भी खाना है। बाकी आज हम दिन भर हरिद्वार में घूमें, हरिद्वार में क्या क्या जगह यहाँ पर घूमने जैसी है, और शाम को गंगा जी की जो आरती होगी वो भी हम देखेंगे। तो कल हम निकल जाएंगे अपने ऋषिकेश के लिए। बाकी मैं अभी निकला हूँ चार धाम यात्रा के लिए। यहाँ से सबसे पहले केदारनाथ, उसके बाद यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर बद्रीनाथ। ये सब चार धाम हम करने वाले हैं, देखते हैं हम कितने दिन में इसको कंप्लीट कर पाते हैं। अभी मैं हूँ हर की पौड़ी में, इसको हर की पौड़ी बोलते हैं, और यहीं पर जो ये घाट बना हुआ है, बहुत बड़ा घाट बना हुआ है, वहाँ से यहाँ लगा कर यहाँ तक, और इस तरफ यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, और यहाँ पर जो है ये गंगा जी बह रही हैं। गंगा जी में बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, सुबह से लगाकर शाम तक यहाँ पर स्नान करते हैं, और ये गंगा जी। बाकी इस स्थान को हर की पौड़ी बोलते हैं। हर की पौड़ी में ये जो घड़ी है वो सही समय बता रही, बिल्कुल 12 बज के अभी 12:30 बजने को, मतलब 25 मिनट हो रहे हैं। ये वो यहाँ पर राजा बिरला टावर बोलते हैं इसको, और यहाँ से खाली डिब्बे मिल जाते हैं जो गंगा जी भर के अपने घर को ले जाते हैं। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर जो सब अपने घाट पर अपने आते तर्पण करने के लिए आते हैं। आप झारखंड से? झारखंड से दीपक भाई साहब। रांची? रांची 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 से। तो आप भी इधर केदारनाथ जा रहे हो? आपने पिछले साल चार धाम की यात्रा कर रखी है? हाँ, चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। आप लिफ्ट लेके यात्रा कर रहे हैं? मतलब बड़ी यात्रा लिफ्ट लेके? अच्छा, वैसे भी स्टूडेंट को एक बार देश देखने के लिए निकलना चाहिए, निकलो घर से एक बार देश देखो, ताकि आने वाला टाइम में एक जो दिमाग की ग्रोथ है ना वो अपर लेवल तक पहुंच जाएगी। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना कुछ सीखेंगे, और ट्रेवलिंग आज की दुनिया नहीं है, बरसों पहले से लोग करते आ रहे हैं। दीपक भैया जो है झारखंड से हैं, बाकी एक भाई साहब और मिले हैं जो कि कहाँ से आप? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से? हाँ। मेरा नाम है सत्यरंजन मोहंता। अच्छा, हम प्रॉपर बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। अभी 2 साल से भारत की यात्रा पे निकले हुए हैं। अच्छा, तो अभी फिलहाल दीपक भैया के साथ चले हैं 2022 से। 22 से? हाँ। कहाँ कहाँ घूम लिए? अभी तक 12 स्टेट कंप्लीट किए। स्टार्ट किए तब अपना घर से वेस्ट बंगाल से। केदारनाथ हो गया आपका? हाँ। पहले हो गया? हाँ, पहले एक बार किए। अभी डबल कर जा रहे हैं? हाँ, डबल, बाबा की डोली के लिए। सत्या भाई और हम आए थे थोड़ा इधर हर की पौड़ी में इधर घूमने के लिए। इधर बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, हमें भी स्नान करना है। भाई साहब ने कर लिया? आपने कर लिया ना? हाँ, हम कर लिया। आपने स्नान कर लिया है? भाई अभी अभी मिले मुझे, मुझे करना है, तो आप मेरे बैग की मतलब देख रेख करेंगे तब मैं स्नान कर लूँगा जरूर। बाकी अभी मैं आपको एक बार यहाँ से बैग के अंदर से व्यू बता देता हूँ गंगा जी में जो स्नान कर रहे हैं। इस साइड जो ये गंगा जी बहके जा रही है, बीच में घाट है, उधर उस साइड भी ये स्नान कर रहे हैं, और इस साइड भी स्नान कर रहे हैं। बाकी बीच में वहाँ पर वो बड़ी घड़ी लगी हुई है। अभी शाम को आरती होगी। भाई साहब शाम को आरती कहाँ पे होती हो? यहीं पे होते हैं, ये हर की पौड़ी है, यहीं पे शाम की आरती होती है गंगा जी की। हाँ, तो शायद हम आज यहीं रुकने वाले हैं, या फिर गंगा की आरती देखने बाद ही हम आगे निकलेंगे। तो अभी ये सुंदर सा नज़ारा है गंगा जी का, आप भी दर्शन कर लीजिए गंगा जी के इधर। और गंगा आरती में हम लोग खड़े होने हैं यहीं पे, क्योंकि यहाँ से हमको पूरा प्रॉपर दिखेगा गंगा आरती। भाई इतना अच्छा लगता है ना हर की पौड़ी का गंगा आरती, काफी अच्छा होता भाई। गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे, ये हरि का द्वार है हरिद्वार, ये तीर्थ भूमि है जी। यहाँ हरिद्वार लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, भक्ति से आते हैं, श्रद्धा रखते हैं अपने कार्य पे। गंगा जी आने के बाद पहले माँ गंगा का स्नान करना चाहते हैं, स्नान करना जरूरी होता है। स्नान करने के बाद अपने घर के कुल देवी देवता को ध्यान करते हुए अपने पूर्वजों के लिए
जल तर्पण देते हैं, पितरों को उद्धार करने के लिए आते हैं तो पिंडदान प्रदान करते हैं, और प्लस जो पितरों कार से नहीं आते हैं, केवल गंगा दर्शन करने आते हैं, तो अपने बाल बच्चों के निमित्त संकल्पित करके दीप दान करते हैं। संकल्प क्या है? संकल्प प्रण होता है, प्रतिज्ञा होता है, शपथ होता है कि मैं जन्म स्थान से चल के हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड में आया हूँ, मैं प्रण ले रहा हूँ, शपथ ले रहा हूँ, प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, उसे संकल्प कहते हैं। संकल्प लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए, तो दीपदान करते हैं स्वस्ति कार्य के लिए, सुख शांति के लिए, कष्ट निवारण, दुख निवारण, पीड़ा निवारण के लिए दीपदान करते हैं, पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, और ये सभी को करनी चाहिए जो सनातन धर्म से आते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। तीर्थ भूमि है, माँ गंगा बहती है, गंगा कह रहती न किसी से लेती न किसी को देती, ये चलती जल है जी। यहाँ के बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, जैसे लगता है हम स्वर्ग में आए हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, मनमोहक जगह है यहाँ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अभी हम इस घाट में स्नान कर लिया है, पंडित जी से तर्पण भी करवा लिया है। तो अभी हमने स्नान वनान अच्छे से कर लिया है, पूजा तर्पण भी कर लिया, बाकी अभी हम है हरिद्वार की गंगा घाट पर ही हैं, ये पीछे जो गंगा जी बह रही हैं, और अभी हमने वहाँ पर स्नान किया था। बाकी ये दो तीन अलग अलग पुल बने हुए हैं, देखते हैं आज हम माता जी के मंदिर में जाते हैं फिर आज इसी के निकल जाते हैं। उस वाले पहाड़ पे जो है वो चंडी देवी माता का मंदिर है, और इस वाले पहाड़ पे जो है वो मनका माता का मंदिर है। बाकी ये दो तीन किलोमीटर ऊपर है और वो थोड़ा दूर है, तो देखते हैं हम इन मंदिर पर जाते हैं या फिर भारत माता मंदिर भी है यहाँ पे, एक भारत माता मंदिर भी दर्शन करेंगे। क्योंकि भाई हरिद्वार में जो आता है ना उसको गंगा आरती मिस नहीं करना चाहिए। ये जो उस वाले घाट से इधर जो आ रहे हैं, पूरा ये लोहे का एक ब्रिज बना हुआ है और ये गंगा के ऊपर ही बना हुआ है, गंगा नदी के ऊपर। बाकी एक ब्रिज इधर भी है और ऐसे तीन चार अलग अलग ब्रिज है। अरे मोरंदो बोले दे, घूम रहे हैं मार्केट में थोड़ा। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का जो सिर पे जो पाग है वो ये, जैसे हम राजस्थान में छापा अच्छा, होता है ना लगता है, इस तरह से उत्तराखंड पे जो ये टोपी है उत्तराखंडी भाई साहब पहन रहे हैं, झारखंडी वाले। अच्छा भाई साहब ये कैसा लग रहा है? पूरे घाट सेक्शन घूमते घूमते फ्लाई ओवर पे आ गए, जो कि फोर लाइन है, ये ऋषिकेश को जा रहा है, इधर पीछे से आ रहा है अपने दिल्ली से और ये आगे ऋषिकेश को निकलता है। बाकी यहाँ पर अभी वापस गंगा जी के किनारे आ गए हम, गंगा घाट पर है। तो अभी हम पूरा घाट घूमकर उधर पूरा मार्केट घूमकर इस फ्लाईओवर से आए हैं। ये अभी फ्लाईओवर पे मैंने वीडियो बनाया था गंगा जी का। बाकी यहाँ पर आप देखिए गंगा जी के बीच में एक बहुत बड़ी शिव जी की प्रतिमा बना रखी है, ये वाली बहुत बड़ी। तो पूरा हरिद्वार घूम लिया हमने, बाकी अभी माता जी के मंदिर पर आज नहीं गए हैं हम, शाम की आरती देखने के लिए रुके हुए थे, लेकिन आरती जो है हम ऋषिकेश की देखेंगे, गंगा जी की जो आरती होती है। अभी थोड़ी देर हम छाया में यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब भी है मेरे साथ में। भाई साहब कहाँ जाएंगे शाम को अपन? हम लोग चलेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश बोले, ऋषिकेश की आरती और यहाँ की आरती एक जैसी होती है, तो आज की रात हम ऋषिकेश में रुकेंगे। अभी भाई साहब हम सीधे हरिद्वार से ज़्यादा रुके नहीं वहाँ पे, और हम आ गए अभी ऋषिकेश में। ऋषिकेश जो है हरिद्वार से 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर है, बाकी यहाँ पर भी गंगा जी की आरती होती है। अभी हम वो पूरा योग नगरी ऋषिकेश है, त्रिवेणी संगम है ये पूरा, और यहीं पर जो है गंगा जी की आरती होती है। हरिद्वार भी आरती होती है, लेकिन हम हरिद्वार में नहीं रुके हैं, हम आ गए अभी ऋषिकेश में।
ऋषिकेश में निःशुल्क जूता स्टैंड है, यहाँ पर मैंने अभी जूते वगैरह जमा करा दिए हैं। और सामने जो है आरती स्थल, इधर जो आरती स्थल है वहीं पर नीचे आरती होगी। अभी हम गंगा के और किनारे जाएंगे, बिल्कुल पास में जाएंगे। त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, ये ऋषिकेश में देखने को मिलेगा आपको। बाकी हम हरिद्वार से ऋषिकेश में आ गए। अभी ऋषिकेश जो है हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जो है आरती शुरू होने वाली है, वहाँ पर चलते हैं आगे पास में। अब ऋषिकेश में भी पूरा पहाड़ी एरिया है, आप सामने देख सकते हैं पूरा पहाड़ी पहाड़ इधर। और हरिद्वार अब यहाँ से जो है आगे अब केदारनाथ तक सब पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे हमें। गंगा आरती शुरू होने वाला है, इसलिए जो सब पहले से अपने जगह बुक कर ली है, सब गंगा आरती देखने के लिए बैठे हैं। बस अब गंगा आरती शुरू होने वाली है। रुकेंगे वो ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पर ऋषिकेश में, और हमने जो भोजन भी यहीं कर लिया है। और यहीं पर वैसे निःशुल्क भी रुकते हैं हॉल में, बाकी हमने रूम लिया है। भाई साहब मिल गए थे, गुजरात से पधारे थे। आप भी चारधाम सॉरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं, तो हमने एक रूम ले लिया है उस वाली सामने वाली बिल्डिंग में। अभी रूम में जाते हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम शिवा है और मैं संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकला हूँ अपने मोटरसाइकिल से वडोदरा से। और आज मेरा 12वां दिन है और 13,000 किलोमीटर के सफ़र पे बाल यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैला रहा हूँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए। तो लोगों का रिस्पांस अब तक बहुत अच्छा रहा, लोग सपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। बाकी जो घर में बैठे लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि एक बटन क्लिक करके यात्रा को ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हमारा आने वाला समाज जो है वो अच्छा हो और हमारे बच्चे उसमें सुरक्षित रह सकें। हर हर महादेव। चलिए जी, त्रिवेणी घाट पर हम आरती करने के बाद सीधा अपने गुरुद्वारे पे आ गए थे। गुरुद्वारे पे आ के हमने एक रूम लिया है, जो हमारे भाई साहब हैं साथ में गुजरात से हैं, और शिवाय भाई साहब एक हमारे पश्चिम बंगाल से। और खाना वाना हमने लंगर में खा लिया है। बाकी आज की रात हम इस गुरुद्वारे में रहेंगे और यहाँ पर हमने एक होटल रूम लिया है और तीनों भाई साहब साथ में रहेंगे। बाकी आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय राजस्थान।